इंदौर में स्टेट बदमाश तीसरी मंजिल से गिर गया, जिसके बाद उसने न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया, लेकिन घायल अवस्था में जेल प्रबंधन ने उसे अंदर लेने से मना कर दिया, जिसके चलते वह रात भर जेल के गेट पर एम्बुलेंस में पड़ा रहा। दरअसल इंदौर के छोटे ग्वालटोली थाना क्षेत्र में लिस्टेड बदमाश मुल्ताजिम पर अवैध वसूली और मारपीट संबंधित धारा में प्रकरण दर्ज हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वह न्यायालय में पेश हो गया, जहां से उसे जेल भेज दिया, लेकिन घायल अवस्था में जेल अधिकारियों ने उसे अंदर लेने से मना कर दिया। इसके बाद परिजन उसे एम्बा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रात अधिक होने पर अस्पताल में भर्ती नहीं किया, बाद फिर एम्बुलेंस से जेल लाया गया, जहां पूरी रात वहां जेल के बाहर एम्बुलेंस में पड़ा रहा। जेल प्रबंधन के इस रवैये पर परिजनों में गुस्सा दिखा है। ये जो कल जो है ना, इसको कोर्ट में पेश करा था, कोर्ट वालों ने जो है उसको मतलब जेल भेज दिया। जेल वालों ने उसको कल लिया नहीं और बोला एमवाई ले जाओ। एमवाई ले गए तो एमवाई वाले रात भर से उसको वहाँ पटक रखा भारी और परेशान हो गए। फिर सुबह एमवाई वालों ने जो है उसको जेल भेज दिया, अब जेल वाले ले नहीं रहे। वही जेल प्रबंधन का कहना है कि किसी भी कैदी को मेडिकल चेकअप के बिना अंदर नहीं लिया जा सकता। मुल्ताजिम का बुधवार की सुबह मेडिकल चेकअप हुआ, इसके बाद उसे जेल के अंदर लिया गया है। ये बंदी मुल्ताजिम पुत्र शहजाद, थाना छोटी ग्वालटोली से धारा 327, 329, 324, 294, 323, 506 बी में कल सायंकाल जेल पर आया था, किंतु बंदी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल जांच नहीं हुई थी, मेडिकल प्रमाण नहीं थे। जबकि जेल नियम ये है, प्रत्येक बंदी का एमएलसी और मेडिकल होने के पश्चात ही मानवाधिकार का जेल में लिया जाता है। तो हमने पुलिस वालों को ये कह के कि आपका मेडिकल करा लाइए वापस कर दिया था। आज सुबह पुलिस वाले उसका संपूर्ण मेडिकल करा के और दाखिल कर दिया जेल में। नहीं, ये यहाँ नहीं रुका, यहाँ यहाँ तुरंत वापस कर दिया था, उसके बाद वहाँ चला गया था। और उसके बाद जब सुबह आया तो हमने ले लिया, सुबह ले आए थे। जब अधिकारी आया, हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने चेक की, पूरे कागजात लिया। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।